Assalamualaikum to everyone. This is group number 10. We Sanai Math class roll number 38, and the other members of this group are roll number 40 and roll number 42. The topic of our presentation is the area of triangle. So the table of contents of this topic include, first of all, I will define what is a triangle, then the area of triangle, and then the three cases of area of triangle, in which the first one is two sides and one angle is given. And the second one is one side and two angles are given, and the last one is three sides are given. So first of all, I will define a triangle. Triangle is a geometric figure having three angles and three sides. हमारे पास एक triangle एक ऐसी geometric की shape होती है जिसमें तीन angles alpha, beta, gamma और तीन sides होती हैं a, b, c. और जो हमारे पास alpha, beta, gamma होते हैं इनकी opposite sides पे जो हमारे पास आ रही होती हैं values like small a, small b, small c, ये हमारे पास इन कैपिटल ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, यानी कि गैमा जो एंगल है हमारे पास इसकी अपोजिट साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है स्मॉल सी, और इसी तरह से बीटा के अपोजिट साइड पे आ रही है स्मॉल बी, और अल्फा के अपोजिट साइड पे स्मॉल ए आ रही है. तो इस तरह से इनके अपोजिट साइड्स पे जो वैल्यूज़ होंगी ये हमारे पास इन कैपिटल ए बी सी की वैल्यूज़ होंगी. नेक्स्ट देयर इज सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल. अब हमारे पास जो ट्राइंगल होती है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर एंगल्स होते हैं और साइड्स की लेंथ्स होती हैं, तो उनको फाइंड करना एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है. और इनमें से समटाइम्स ये होता है कि हमें कुछ फैक्टर्स दिए गए होते हैं, लाइक एक एंगल दिया गया हो सकता है और दो हमारे पास साइड्स दी गई हो सकती हैं लाइक बी सी, और एंगल अल्फा दिया गया हो सकता है, तो हमने जो है वो एरिया ट्राइंगल फाइंड करना. तो इस तरह से डिफरेंट केसेस होते हैं जिनमें से कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास नाउन होते हैं और कुछ अननोन होते हैं जिनको हमें फाइंड करना होता है. नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन द एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एरिया? अब जो हमारे पास एरिया होता है, एरिया बेसिकली हम कहते हैं कि जैसे ये एक हमारे पास बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है इसके अंदर जो भी रीजन ऑक्यूपाई हो रहा है इस रीजन को हम कहते हैं एरिया. जो भी ऑक्यूपाइड रीजन होगा इसको हमेशा मीटर स्क्वायर में जो है वो मेजर किया जाता है. अब जैसे हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास मीटर है. तो इस तरह से एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर, और अगर इसी तरह से हम देखें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल तो उसमें भी लेंथ इनटू विड्थ और वो भी मीटर स्क्वायर ही होता है. तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट स्क्वायर मीटर से मीटर स्क्वायर में जो है वो हम मेजर करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास देखिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो टोटल रीजन है जो इन तीनों साइड्स ए बी सी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है इसके अंदर जो सारा रीजन है ऑक्यूपाइड रीजन इसको कहा जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. और इसमें ये इक्वल होता है हाफ ऑफ द बेस टाइम्स हाइट, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, जहाँ पे बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को और एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को. और अगर हमने एक ट्राई साइडेड पॉलीगॉन यानी कि तीन साइड्स वाली पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना है तो हमें बेस और हाइट अगर पता होगी तो हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू. और ये एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला तमाम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. अब जो हमारे पास ट्राइंगल्स है स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल. स्केलन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास जो तीनों साइड्स होती हैं उनकी जो लेंथ्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, और आइसोसेल्स में एटलीस्ट टू साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो सेम होती हैं और एक ही डिफरेंट हो सकती है, और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो सेम होती हैं. तो ये तीनों टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं इन पे ये हमारे पास जो फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है. और ये पॉइंट नोट करना यहाँ पे कि हमारे पास जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर जो बेस है और हाइट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं, और जो हमारे पास एरिया का यूनिट है ये स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है, जो कि मीटर स्क्वायर भी हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है. सेंटीमीटर छोटा यूनिट होगा और मीटर स्क्वायर इसका बड़ा यूनिट है. नेक्स्ट, इसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक यूज़ है कि हमने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कहाँ पे यूज़ करना है. तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसकी बेस है 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर दी गई है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो 1/2 बेस इंटू हाइट है. तो बेस गिवन है 3 और जो हमारे पास हाइट है वो 4 है, और हमने सिंपली वैल्यूज पुट की और इस तरह से एरिया हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में. नेक्स्ट हमारे पास तीन केसेस हैं जिसमें फर्स्ट केस ये है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है कि जब दो साइड्स और एक उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा. अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारे पास दो साइड्स हैं बी और सी उनका जो एंगल, अब हम बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बीटा, वो नहीं इसके साथ लेंगे. जो इंक्लूडेड एंगल होगा बी सी साइड्स हैं तो उनका इंक्लूडेड एंगल अल्फा होगा, तो उसको यूज़ किया जाएगा. सेम केसेस विद सेकेंड वन एंड थर्ड वन. और सेकेंड केस हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो, एक साइड मींस कि हमारे पास अल्फा गिवन हो
और दो एंगल्स बीटा और गामा गिवन हो सकते हैं। और अगर हमने फाइंड करना एरिया ऑफ ट्राइंगल तो एक एंगल तो फिर भी अननोन होगा हमारे पास, जैसे अल्फा है, तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस माइंड रखते हुए जो है वो अल्फा फाइंड करेंगे पहले, फिर ये फार्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। और थर्ड केस हमारे पास ये होता है कि जब तीनों साइड्स गिवन हो, कोई एंगल गिवन नहीं है, तो उनसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें हीरोज़ फार्मूला यूज़ होता है जिसमें एस स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन दीज केसेस वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट केस है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जब हमारे पास दो साइड्स दी गई होंगी और उनका इंक्लूडेड एंगल होगा हमारे पास, तो ये एंगल जो है इसका ये एंगल्स और जो साइड्स है इस फॉर्मूला की इनका जो प्रूफ है वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो अगर हमारे पास थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल हमारे पास पहली जो है वो हमारे पास है एक्यूट, नेक्स्ट वन ऑब्ट्यूस और थर्ड वन राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट ट्राइंगल वो हमारे पास होती है जिसमें एंगल 90 और 0 के दरमियान में होता है, यानी कि लेस देन 90 होगा, और जो हमारे पास ऑब्ट्यूस ट्राइंगल होगी उसमें एंगल जो है वो हमारे पास 90 और 180 के दरमियान में होता है, यानी कि ग्रेटर देन 90 होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास कम अज़ कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब इसमें मेजरमेंट एंगल सी जो है वो गामा है तीनों केसेस में, तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स हमने कंसिडर कर ली, और इसमें जो हमारे पास जहाँ पे 90 डिग्री नहीं एंगल बन रहा हम उस वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यानी कि हमारे पास ए डी परपेंडिकुलर होगा बी सी जो है इस पर हमने ए डी परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। और इस तरह से अगर हम फिगर वन में देखें तो साइन एज वी नो के एक हमारे पास ट्रिक थी जहाँ से हमने याद किया था ये जो रेशोज़ हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्रश हेयर टू प्रॉपर कर्ली हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग, तो साइन जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। और अगर फर्स्ट केस में देखें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए डी है और हाइपोटेन्यूस इसका बी सी बन रहा है, ए सी बन रहा है, और इस तरह से हमने जो है वो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया और साइन जो है वो यहाँ पे गामा है। और सेकंड केस में अगर देखा जाएगा तो ए डी और ए सी साइन हमारे पास यहाँ पे एंगल जो है वो गामा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कंसीडर कर लिया जाए और जहाँ पे गामा लाइक कर रहा है ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में, तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट अगर आ जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं पाई माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे हमारे पास गामा है, जैसे थर्ड में हम करते हैं पाई प्लस थीटा, तो इस तरह से सेकंड में हमारे पास होता है पाई माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस गामा। और अगर हमारे पास 180 आता है यानी कि तो हम उसमें जो है वो हमारे पास साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, यानी कि रेशियो सेम रहती है। और इस तरह से हमारे पास क्योंकि वन पाई माइनस थीटा है और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है, तो इस वजह से साइन का जो साइन है वो भी चेंज नहीं होगा और एज इट इज साइन गामा आ जाएगा। या आप इसको अगर चाहें तो एक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो उससे भी हमारे पास यही आएगा साइन अल्फा। और अगर थर्ड फिगर में देख लें तो हमारे पास साइन का अगर देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का परपेंडिकुलर अगर देखा जाएगा, तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि जो सी है जो या राइट एंगल है वो एग्जैक्ट सी पॉइंट पे नहीं है, वो हमारे पास डी पॉइंट पे है, तो इसलिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो ए डी आ जाएगा और ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। और जब यहाँ पे एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 का है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जब साइन 90 किया जाता है तो हमारे पास 1 आता है, इसको हम कर सकते हैं कंसिडर कि ये साइन गामा है। तो तीनों केसेस में एक चीज़ कॉमन होगी ए डी ओवर ए सी इज इक्वल टू साइन गामा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ गामा। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास जो ए सी है इसकी क्या वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कि बी जो है उसकी वैल्यू उसका एंगल है बीटा और इसी तरह ए का एंगल है अल्फा सी गामा, तो बी जो बीटा इसका एंगल है उसकी अपोजिट साइड पे इसकी वैल्यू लाई करेगी ना स्मॉल बी, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू इस वजह से हमारे पास स्मॉल बी आएगी और ये हम इसको बी साइन गामा लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम सिंपल फार्मूला अगर लगा लें एरिया ऑफ ट्राइंगल का एलिमेंट्री ज्योमेट्री से, तो उसमें आएगा 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड और हाइट। तो बेस हमारे पास अगर इसमें कंसीडर किया जाए तो बेस तीनों केसेस में क्या आ रही है, बेस है बी सी, तीनों केसेस में हमारे पास बेस सेम है जो कि है बी सी। और इसके बाद इसका अगर देखें हमारे पास अल्टीट्यूड या हाइट क्या है, वो है ए डी, तो तीनों केसेस में ए डी हमारे पास इस केस में भी और इस केस में भी ए डी हमारे पास हाइट है। तो जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे बी सी की वैल्यू हमारे पास ए होगी और इसी तरह से ए डी की जो वैल्यू है अगर ए डी को देखा जाए तो यहाँ पे अब अगर गामा है गामा सी के अपोजिट साइड पे जो है उसके गामा के अपोजिट साइड पे सी वैल्यू आ जाएगी और इसकी हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास ए बी साइन ऑफ गामा के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से हम ये हमारे पास पहले तो हमने जनरल इसकी ट्राइंगल को देख के साइन का फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद हमने ट्राइंगल का
एरिया ट्राइंगल का जनरल फॉर्मूला अप्लाई करके इस फॉर्मूला को प्रूव किया, ये आता है हमारे पास 1/2 AB साइन ऑफ गैमा। अब इसमें जो दो साइड्स हैं ए बी उनका इंक्लूडेड एंगल गैमा होगा शामिल इसके अंदर, और इसके सेकंड फार्मूला में भी बी सी दो साइड्स हैं तो उनका इंक्लूडेड एंगल अल्फा शामिल होगा, और अगर दो साइड्स हैं ए सी तो उनका इंक्लूडेड एंगल बीटा शामिल होगा। अगर हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं तो इसमें ये इसकी एग्जाम्पल है कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं और हमारे पास उनका इंक्लूडेड एंगल है गैमा, तो फार्मूला यूज़ होगा 1/2 AB साइन ऑफ गैमा, ए की वैल्यू पुट की बी की और गैमा की, तो हमारे पास जो है वो एरिया आ गया 16.74 स्क्वायर यूनिट। तो हमेशा ये स्क्वायर में मेजर किया जाता है तो उसका यूनिट साफ में लिखा जाएगा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट केस है उसमें ये है कि अगर एक साइड और दो एंगल्स गिवन हों तो इसको हमने फार्मूला को प्रूव करना है। हमारे पास लॉ ऑफ साइंस जो है वो एक सिंपल सा फार्मूला है, वो होता है ए ओवर साइन अल्फा, यानी कि जो हम लिख रहे हैं ऊपर साइड लिख रहे हैं नीचे उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। और अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ए ओवर साइन अल्फा को इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा कर लें और बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा कर लें। तो ए एक साइड पे रहे और साइन अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से बी के में भी ऐसे ही होगा। और अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 1/2 AB साइन ऑफ गैमा होता है, तो सिंपली हमने ए और बी की जो है वो वैल्यू इस पुट की यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से नीचे टू ये वाला आ जाएगा और साइन गामा साथ में आ जाएगा, और हमारे पास इस तरह से ये फार्मूला प्रूव हो गया, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर टू साइन गामा। और इसी तरह से हम दूसरे दोनों फार्मूलाज की प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है इसमें इसकी एग्जांपल है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स दिए गए होते हैं अल्फा और गामा और एक साइड दी गई हो तो हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस हम माइंड में रखते हैं कि हमारे पास तीन एंगल्स जो हैं इसमें होते हैं और तीनों एंगल जैसे साइड तीनों उनकी लेंथ सेम होती है वैसे ही तीनों एंगल्स जो हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। अगर हम कंसिडर करें कि अल्फा भी हमारे पास 60 है, बीटा भी और गामा भी जब इनको ऐड किया जाएगा तो ये 180 के इक्वल जो है वो आएगा। तो इस तरह से हम जो है इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए या इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हम जो है वो यहाँ पे एंगल बीटा फाइंड कर सकते हैं, और एंगल अल्फा और गामा ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला में पुट करके एक एंगल जो हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू लगा के और बाकी गिवन थे तो वो सारा पुट करके हमने जो है वो अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया, और ये स्क्वायर यूनिट में होगा। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो थर्ड केस आ जाता है। थर्ड केस में हमारे पास ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड करना है जब हमारे पास तीन साइड्स गिवन हों, और तीन साइड्स जो हैं वो हमारे पास ए बी सी हैं, और ये हमने प्रूफ करना है कि ये कैसे हीरोज़ फार्मूला जो है वो आता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसा कि हमें पता है कि ये इक्वल होता है बी सी 1/2 BC साइन ऑफ एल्फा के। अब अगर हमारे पास साइन अल्फा जो है ये कैसे इस फार्मूला के इक्वल आता है, तो जो हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा होता है इक्वल होता है 2 sin alpha cos alpha, और अगर हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करें, जो हम मैथ्स में लेफ्ट साइड पे करते हैं एक साइड पे किया जाता है वो सेकंड वन पे भी किया जाता है, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब अगर यहाँ पे 2 होता तो ये कभी भी इसके साथ कैंसिल आउट नहीं होना था, ये ऐसे नहीं होना था क्योंकि जो हमारे पास साइन है इसका पूरी एक वैल्यू एक फंक्शन और इसकी पूरी एक वैल्यू है, तो इसलिए अगर 2 यहाँ पे इसके बाद ये लिखा हुआ है तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू और ये अंदर से कट हो सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास साइन अल्फा 2 sin alpha/2 cos alpha/2 के इक्वल आ जाता है। और इस तरह से हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि 2 sin alpha/2 अब जो 2 है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी सी एज इट इज़ आ जाएगा, और साइन अल्फा बाई 2 ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला यूज़ होता है, इक्वल होता है स्क्वायर रूट s-b (s-c)/bc। अब जो हमारे पास cos अल्फा बाई 2 होता है वो भी हाफ एंगल फार्मूला है, और इसका होता है फार्मूला स्क्वायर रूट s(s-a)/bc। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन के केस में ऊपर जो अल्फा है उसके साथ उसके जो साथ वाला एंगल साइड है ए वो नहीं आएगी उसके साथ, बी सी साइड्स आएंगी, लेकिन अगर cos के केस में देखा जाए तो अल्फा है तो उसकी रिस्पेक्टिव साइड ही आएगी, लेकिन नीचे हम ये याद रख सकते हैं क्योंकि हमने बी सी के साथ इसको कैंसिल आउट करना है तो नीचे दोनों के बी सी आएगा, और इसलिए जब यहाँ पे इनको हमने कंबाइन किया तो ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, और बी सी स्क्वायर जब इसको किया तो हमारे पास एक स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो बी सी आ गया, बी सी के साथ कैंसिल आउट हो गया,
और यहाँ पे जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट फॉर्मूला प्रूफ हो गया, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नेक्स्ट इसकी जो है वो एक एग्जाम्पल है, वो ये है कि हमारे पास तीनों साइड्स ए बी सी गिवन हैं और हमने जो है वो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें जो हीरोज फार्मूला है, जब हमें पता है कि तीन साइड्स गिवन होंगी तो हमारे पास हीरोज फार्मूला लगता है। और इसमें सबसे पहले तो एस जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, एस होता है इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू, और जो हमारे पास एस माइनस ए है, जब हमारे पास एस आ जाएगा तो सिंपली हम एस माइनस ए कर लेंगे क्योंकि ए गिवन है, और सिमिलरली हम बी कर लेंगे और सिमिलरली हम सी कर लेंगे इस तरह से। तो नेक्स्ट इसमें जब फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट की जाएंगी तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा स्क्वायर यूनिट की। सो दैट वॉज माई प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच।